सो गाइस फाइनली बाबूसर टॉप पहुंच गए हैं। देख सकते हैं व्यू, बहुत ही आला व्यू है। यहाँ देखिए माशाल्लाह से फ्रेंच फ्राइज है, चिप्स वगैरह है, कचौरी टाइप वगैरह। साहिम भाई पहले से ही मौजूद है यहाँ पर, और ऊपर का व्यू देखिए, बहुत ही हटकर व्यू है। ये देखिए फाइनली जो है वो मिस कर दूं, पहुंच चुके हैं। Thank you.
सो गाइस फाइनली बाबू सर टॉप पहुंच गए हैं और यहाँ भी जो है बर्फबारी हो रही है, मामूली हो रही है और बर्फ़ भी मौजूद है। इंशाल्लाह देखें तेज़ होगी तो फिर आपको व्यू दिखाएंगे। बड़ा ठंडक इतनी फील नहीं हो रही है, नॉर्मली है ठंडक। तो मैम भाई बर्फबारी होगी नहीं होगी? इंशाल्लाह होगी, हल्की फुल्की स्टार्ट हो गई है, प्लीज भी हो जाएगी। थोड़ी देर सफर करते हैं, 10-15 मिनट इंशाल्लाह होगी, थोड़ा वेट कर लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से फुल बर्फ पड़ी हुई है, स्लो स्लो हो भी रही है और इम्कान भी है इंशाल्लाह हो ही जाएगी, अच्छी हो जाएगी इंशाल्लाह। देखें ये पूरी टीम हमारी उतर आई है। ये देखिए गाइस फोटो सेशन जारी है, सबके सब फोटो सेशन में लगे हुए हैं। माशाल्लाह आप देख सकते हैं व्यू, बहुत ही आला व्यू है। मतलब हम तो फर्स्ट टाइम आए लाइफ में, जो है मैंने तो फर्स्ट टाइम जो है बर्फबारी देखी है और बहुत ही मज़ा आ रहा है। मौसम भी बहुत ज़बरदस्त हुआ हुआ है, ठंडक इतनी तो फील नहीं हो रही है, बस है ठंडक, ऐसा नहीं है कि नहीं है लेकिन ठंडक है। बहरहाल देखिए आप बिल्कुल बेहतरीन माशाल्लाह। बस मैं तो इसी चक्कर में हूँ कि बर्फ़बारी हो जाए, जब बर्फ़ गिर रही होगी और उसका जो व्यू होगा बहुत ही आला होगा, वो दिखाने में बहुत ही मज़ा, और देखने में भी मज़ा आएगा और हमें भी मज़ा आएगा। बस इंतज़ार है उसका, बस हम यहाँ पर तकरीबन 10-15 मिनट के लिए स्टे किया हुआ है, उस दौरान अगर हो जाती है तो सही है, नहीं तो फिर यहाँ से फिर आगे की जानिब मूव होंगे। तो नसीब खान बताइए कैसा लग रहा है आपको? बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बेहतरीन भाई। मैं तो देखो फर्स्ट टाइम जो है वो बर्फबारी में आया हूँ, देखा बड़ा मजा आया, ठंड वगैरह के हिसाब से नहीं, मैं बहुत बेहतरीन। मैं भी भाई बाबू सर टॉप पे पहली मरतबा आया हूँ, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बेहतरीन। हाँ ये देखें व्यू भी देखें, ये हमारे नासिर भाई भी हैं, बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा एंजॉय कर रहे हैं ना, कर रहे हैं, बस ये एंजॉय करना चाहिए। और क्या कमेंट करेंगे आप लोगों के लिए? लोगों के लिए ये करें, कमेंट करेंगे आए यहाँ पे, दिल पकड़े, मजे करें, मजे करें, दिल गुर्दा सब पकड़ के मजे करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना उमान, ऐसा ही है ना? बाबू सर टॉप पे पहुँच गए, हम पहुँच चुके हैं ना, बहुत मजा आ रहा है माशाल्लाह। हाथ ठंडे हो रहे हैं लेकिन मजा आ रहा है, पूरे ठंडे हो गए हैं वो। चलो चलो इंशाल्लाह इंशाल्लाह और अच्छा व्यू मिलेगा। चले अब हम थोड़ा चलते हैं चाय वगैरह पीने की तरफ, चाय वगैरह पीते हैं, थोड़ा अपने आप को लेवल में लाते हैं। ये देखिए थोड़ा सा हम उस जगह पर आए जहाँ से हमारी गाड़ी आई थी और आप देख सकते हैं बैक की जानिब पे आपको नज़र आएंगे बर्फ़ के पहाड़ वगैरह। बस ये है कि गाड़ी हमारी यहीं पे खड़ी हुई है और हम यहाँ पर जो है वो बस घूम ही रहे, हर तरफ बर्फ ही बर्फ है, बर्फ़ के पहाड़ वगैरह, बहुत मज़ा ही आ रहा है। आइए आपको जो यहाँ का बाज़ार है उसका भी व्यू दिखाता हूँ। ये देखिए ये टोटली बाज़ार वगैरह है, यहाँ पर हमारे वाले जो है वो पकौड़े समोसे चाय वगैरह जो भी एक्सपायर डेट है वो खा रहे पी रहे हैं। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इस साइड पर भी है, और ये है कि पब्लिक भी आई हुई है यहाँ पर, चल रहा है मामला। ये देखिए इमरान भाई, तारिक, साकिब ये यहाँ पर है,
थोड़ा सर्दी हाथ को ताप रहे ताकि हाथ जो है वो गर्म हो जाए माशाल्लाह से। यहाँ देखिए माशाल्लाह से फ्रेंच फ्राइज है, चिप्स वगैरह है, कचौरी चाय वगैरह, ये सब चाय वगैरह भी यहाँ पर अवेलेबल है। ये बाबूसर टॉप पे कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी चाहिए हो तो वो यहाँ से आपको आसानी मिल जाएगी। ये देखिए माशाल्लाह पकोड़े, फ्रेंच फ्राइज वगैरह, चाय वगैरह ये आ रही है, तो रिफ्रेशमेंट आ गया, रिफ्रेशमेंट करते हैं बस, ये सब होना ही चाहिए, थोड़ा बहुत तो चल ही जाता है। चले तो हम बाहर जा रहे थे बस हमें अंदर बिठा दिया गया, अंदर भी जगह अच्छी है ताकि सब बंदे जो है वो कवर हो जाए। चले चाय वगैरह भी आ चुकी है और ये के पकौड़ा वगैरह भी जो भी है। कल को कोई बोले अकेले चाय पी ली फिर ईमानदारी। मैं अब ये बात नहीं करूंगा कि किसके साथ आता है मजा, अब तो सिर्फ मैं ये बात करूंगा मजा आ रहा है या नहीं आ रहा। अब मैंने ये नहीं बोलना, जबरदस्त। ये देखिए हम जो है शॉप्स वगैरह बनी हुई थी उसके बैक पर आए हुए, यहाँ खुला मैदान है आप ये देख सकते हैं। इसमें देखें आप, ये देखिए हम ऊपर की जानिब जा रहे हैं, ये साइम भाई तो चढ़ चुके हैं, अब हम भी ऊपर चढ़ते हैं और ऊपर से जो क्लिक लेंगे वो सबसे हटकर होगा। चलते हैं ऊपर, हवा का भाई बता रहे थे कि हवा तो बहुत तेज़ है, लेकिन ये है कि चल के देख लेते हैं इंशाल्लाह। ये देखिए साइम भाई पहले से ही मौजूद है यहाँ पर और ऊपर का व्यू देखिए बहुत ही हटकर व्यू है। ये देखें, ये देखिए हम टॉप पर आ गए और टॉप पर जो है वो उसका जो व्यू है वो बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये देखिए और मतलब यहाँ जो हवा है, हवा बहुत ठंडी है, बहुत ज़्यादा ही ठंडी है, बहुत ही अलग हिसाब किताब हो रहा है। चलें, बर्दाश्त नहीं कर सकते, अब हम नीचे उतरेंगे क्योंकि फुल ठंडे हो चुके हैं, आप ठंडे होने में बन गए हैं, ये जो है वो टाइम। ये देखिए हम थोड़ा नीचे की जाने पर मूव हो रहे हैं, थोड़ा आगे जाते हैं, देखते हैं वहाँ से भी अच्छे क्लिक आएंगे, अच्छा व्यू आएगा। आप देखिए ये देखिए इस जगह से ज़ूम करता हूँ मैं, बर्फ़ के पहाड़ी पहाड़े और यहाँ का व्यू भी ज़बरदस्त हुआ हुआ है, ठंडी हवा तो बहुत ज़्यादा ही चल रही है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए सेल्फी स्टिक लेके ये शुरू हुए हैं। और ये देखें इमरान साहब भी यहाँ आ चुके हैं,
सो गाइस ये इमरान भाई हमारे साथ मौजूद है। इमरान भाई कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर? माशाल्लाह मजा आ रहा है यार, अच्छी हवा है, हवा भी बहुत अच्छी है, थोड़ा सा गाइड करेंगे पीछे अपने पहाड़ियाँ कौन कौन सी? भाई ये सब हिमालयन रेंज कहलाते हैं जहाँ तक मैंने पढ़ा है। हाँ ठीक है, इसमें से कोई एक जगह पे ट्रैक करते हैं तो वहाँ पे 6-7 झीले नजर आती है। इस साइड पे दोदीपत सर पड़ता है, ठीक हो गया, बाकी ये कोहिस्तान रीजन इस साइड पे पड़ता है आपके लेफ्ट साइड पे, सही, बाकी ये वाली साइड है नारायण की और महामल का पर्वत। यानी मतलब बहुत ही अच्छा व्यू है, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त व्यू है। वैली देखे हम कितनी जबरदस्त लगती है, बिल्कुल दिखाई मैंने, बहुत जबरदस्त व्यू है। चले खूबसूरत पाकिस्तान भाई, गाइस आपसे हम कहेंगे कि आप ही दोस्तानी ट्रेवल टूर में सफर करें। बिल्कुल बिल्कुल, एंड में जो है वो इंशाल्लाह आपको मैं उसकी पिक शेयर करूंगा, इमरान भाई का जो टूर ट्रैवल है उनमें आप लाजमी सफ़र कीजिएगा, बहुत ही इंजॉयमेंट होगी, बहुत ही मज़ा आएगा। और आपने देखा होगा कि एक सिर्फ पाए पे भी हम गए, वहाँ भी हमने इंजॉय किया, वहाँ का भी बताया हमें, तो लाजमी आप भी ज़रूर सफ़र करें ताकि आपको एक एक पॉइंट के बारे में बताया जाए और अच्छे से घुमाया जाए, तो मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा। चलो थैंक यू, चलें थैंक यू। सो गाइस हम लोग जो है वो अब जो है वो गाड़ी की तरफ जा रहे हैं, बाबूसर टॉप को बहुत ही हमने जो है कवर कर लिया, इंशाल्लाह आप जो है आगे का दिखाएंगे वगैरह के जाने के लिए और हम आपको व्यू दिखा रहे हैं। हमारे कुछ जो बंदे हैं वो आप देखें जिप लाइन मार रहे हैं, आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए ऊपर की जानिब, ये देखें ये देखिए जिप लाइन मारते हुए ये एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पे जा रहे हैं, ये देखें माशाल्लाह। ये देखिए गाइस एक और हमारे टीम मेंबर रेडी हो चुके हैं जिप लाइन के लिए, ये हमारा बंदा अप्लाई कर लिया है और वो जा रहा है। ये देखिए ये वहां जो बंदा खड़ा हुआ है ये वहां पर उसको पिक करेगा। ये अपनी मंजिल है मकसूद तक पहुंच चुका है। चले बहरहाल बहुत दूरी पे था। सो गाइस फाइनली जो है वो हम यहाँ से मूव हो रहे हैं, जा रहे हैं हम जो है वो स्कर्दू के लिए, और देखें आपके सामने हमारे पीछे टीम मेंबर भी मौजूद है और ये हमारी वैन है और यहाँ से हम वैन को स्टार्ट करके बस निकले, तो बस इंशाल्लाह स्कर्दू में पहुँच के जो है वो मावा का सही हो जाएगा, मावा का चले चले चल चले चले बड़ी भी दे, बड़ी भी पिएगा वो भी। अच्छा तेरे को बहुत ज्यादा लिफ्ट करानी, चल आंखों से ये नीचे कर, चल सीधे बैठ के आओगे एक टुकड़ा कर से टाइम का भी नहीं हो गया तो
टॉप से जो है वो चिला इसकी तरफ जा रहे हैं, तो ये देख सकते हैं आप वो तेज हो गई है। ये देखिए थोड़ी रफ्तार में आज भी रहे, ज़्यादा बारिश हो गई है ना, माशाल्लाह वो सारी हो गई है जला पड़ी अंदर आके की जी आ रहा हूँ ना, आगे से बनाओ आगे से भी जो है ना हाथ में ले रहे भाई तो हम लोग यहाँ पर जो है वो थोड़ा रिफ्रेशमेंट चाय वगैरह के लिए रुके हुए हैं, बस चाय वगैरह पी के जो है वो यहाँ से फिर अपने मंजिल की तरफ निकलेंगे। ये देखिए यहाँ से बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू आबशार का दिख रहा है, देखिए माशाल्लाह पीछे बेड सिटिंग एरिया भी लगा हुआ है और ये इसके साथ नसीब खान भी यहाँ पर मौजूद है। हाँ नसीब खान पॉइंट कैसा है, अच्छा है ना, हवा भी अच्छी चल रही है, बिल्कुल शीशे की तरह पानी, बिल्कुल वाकई में बिल्कुल साफ़ और शफाफ पानी। ये देखो ये किस तरफ जा रहा है, अब ये जानते हैं तो इसके साथ जाना पड़ेगा ना, हाँ। कि ये किस तरफ जा रहा है, पहले इस पर बैठना पड़ेगा फिर जाएंगे, इससे बेहतर हम गाड़ी में बैठ के चले जाएंगे। बहरहाल बहुत ही खूबसूरत व्यू है माशाल्लाह, ये पहाड़ है ये पहाड़ और ये नज़ारे बहुत ही खूबसूरत, बेशक अल्लाह की शान है। गाइस यहाँ पर हम रुके थे, चाय वगैरह रिफ्रेशमेंट वगैरह किया, अब ये है कि हम दोबारा जो है वो निकल रहे हैं इस कर्टू के लिए। भाई टिकटॉकर तो तेज है, अरे वॉल्यूम कम क्यों है, अबे चो वॉल्यूम कम है पर स्टेप पूरे, टेंशन नहीं है। वाह दे चल शुरू हो बस में तो बड़ा नाच रहे थे, तुम यहाँ पे तुमसे नाचा नहीं जा रहा, ब्रेक डांस यो यो हनी सर हट जा हट जा, नसीब खान यार नासिर Ha ha ha.
है। किसी को कुछ गिरा है क्या? कोई गिरा तो नहीं ना? इधर इधर कैमरा इधर है। अबे चाय के लिए ये दूध पिलाया था क्या? अजीब सी भाई, चाय वगैरह के बाद जो है थोड़ा रिफ्रेशमेंट हुआ, वो भी मैंने कवर कर लिया। मतलब चले थोड़ा रिफ्रेशमेंट ऐसे भी कवर कर लें। अब ये कि अब तो फाइनली निकल रहे हैं और इंशाल्लाह ताला जो है वो मुस्करदू पे स्टॉप करेंगे। सो फाइनली जो है हम मुस्करदू पहुंच चुके हैं और होटल में भी पहुंच चुके हैं। आपको मैं होटल का व्यू दिखाता हूँ। ये देखिए होटल का व्यू है वगैरह। ये 103 जो है वो हमारा कमरा है, इसको खोल के देख लेते हैं। ये देखिए ये बोला ऐसे बोले इस बेड में मैं कला। ये हमारा कमरा है। सोऊंगा कोई भी मेरे करीब आया मेरे को उठाया तो अच्छा नहीं होगा। हाय गाइस, हाय गाइस, हेलो व्यूअर्स। ये देखें हमारे साथ जो रूम पार्टनर है नसीब खान है, रजाक है, जाफर है और हम खुद हैं। और बस हम यहाँ पर स्टे करेंगे। डिनर का वक्त भी है क्योंकि रात के 2 बज चुके हैं, पहुँचने में हम काफी लेट हो गए। अब ये है कि वो ये क्या चला दी और इंशाल्लाह ताला फिर कल मुलाकात होगी क्योंकि बहुत थक चुके हैं, सफर ने बहुत थका दिया है। ये है कि डिनर करने के बाद जो है इंशाल्लाह कल जो है कुछ पॉइंट्स वगैरह है वो करने, तो इंशाल्लाह ताला कल मुलाकात करते हैं। ब्लॉग को एंड करते हैं, लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।